अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजदौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। 15 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार करने हेतु नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया। कलकत्ता के गवर्नर ड्रैक को फुलटा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। मिस्टर हॉलवेल अपने कुछ सहायकों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराजदौला ने बंदी बनाए 446 कैदियों को, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग थे, एक बंद कमरे में कैद कर दिया। 21 जून के प्रातःकाल कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जिंदा बचे, जिसे ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। इस सैनिक अभियान में एडमिरल वॉटसन क्लाइव का सहायक था। क्लाइव ने पहले बजबज पर, फिर 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर नवाब ने संधि का प्रस्ताव रखा। 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब के मध्य अली नगर की संधि संपन्न हुई, जिसमें नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया हुआ था, उनको वापस करते हुए युद्ध हर्जाना भी दिया। अंग्रेजों को सिक्का ढालने और कलकत्ता में किलाबंदी करने का भी अधिकार मिला। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अपनी टकसाल स्थापित की। बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर पर अधिकार कर कंपनी ने नवाब से कहा कि वे फ्रांसीसी को बंगाल से बाहर निकाल दें, जिसे नवाब को मानना पड़ा। सिराजदौला की कमजोर स्थिति हो चुकी थी। इसे महसूस कर अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी कठपुतली शासक को बिठाने की बात सोचने लगे, जिसमें सिराजदौला के विरोधियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। सिराजदौला के विरोधियों में मीर जाफर, जिसे नवाब ने सेनापति के पद से बर्खास्त कर दिया था, राय दुर्बल, जो दीवान के पद पर कार्यरत था, नवाब ने मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया था, तथा बंगाल के जगत सेठ शामिल थे, जिन्हें कभी नवाब ने अपमानित किया था। सिराजदौला के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्र और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ गुप्त समझौते हुए। इन समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका अमीचंद्र और वॉटसन की थी। मीर जाफर को सिराजदौला के बाद अगला बादशाह प्रस्तावित कर अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए। सिराजदौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया, इसलिए अधिकांश अंग्रेज फुलटा द्वीप पर भाग जाते हैं। 20 जून 1757 को कालकोठरी की घटना, जिसमें सिराजदौला ने, ये 446 है, 446 कैदियों को एक बंद कमरे में कैद कर दिया, जिसमें अंग्रेजों के कुछ बच्चे, महिला और बुजुर्ग थे। इन 446 व्यक्तियों में से 21 जून की सुबह को केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे, जिसे काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, जो प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण था। जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था वो लॉर्ड क्लाइव था, और बंगाल की नवाब का जो सेनापति था वो मीर जाफर था, जो पहले ही अंदर खाने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसे ये दिलासा दे दिया गया था कि अगर नवाब को हम हरा देते हैं तो मीर जाफर को अगला क्या कर देंगे, नवाब बना दिया जाएगा। तो इसलिए जो मीर जाफर है वो सेना को आदेश ही नहीं देता है, अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आदेश नहीं देता है।
तो इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है युद्ध को जीत जाती है और बंगाल का नवाब युद्ध को हार जाता है। बंगाल के नवाब के दो महत्वपूर्ण जो सिपाही थे मीर मदान और मोहनलाल, वो युद्ध करते करते जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो बंगाल का नवाब प्लासी के युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद मीर जाफर का बेटा होता है मीरन, जो सिराज दौला को बाद में मार देता है। जो प्लासी का युद्ध था ये बंगाल में एक जगह जिला है नदिया जिला, वहां पे हुआ है। और प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह था वो आलमगीर सेकंड था। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कौन था, तो आलमगीर सेकंड था प्लासी के युद्ध के समय। जो प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो आपकी भागीरथी नदी है, वहां पर ये प्लासी के युद्ध का मैदान पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि जो प्लासी का युद्ध था वो कैसा युद्ध था, यह एक कूटनीतिज्ञ युद्ध था। कूटनीतिज्ञ का मतलब यानी कि जो मीर जाफर था और जो बंगाल के और जगत सेठ वगैरह थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही अपनी ओर मिला लेती है। तो ये क्या है, एक कूटनीति का परिणाम था जिसके कारण जो है कंपनी जीत जाती है और नवाब हार जाता है। और यहीं से माना जाता है कि जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी के युद्ध से ही भारत में क्या माना जाता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत और ब्रिटिश साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वो प्लासी के युद्ध से ही होती है। क्योंकि हमने देखा था कि 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो जाता है, फिर ये भारत में आती है, व्यापार करना शुरू कर देती है। तो 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक जो ये कंपनी है, कंपनी क्या करती है, केवल व्यापार करती है। लेकिन 1757 से व्यापार के साथ साथ जो है क्या है, अपना क्या है, बंगाल में शासन करना भी शुरू कर देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्लासी का युद्ध होता है। जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का जो स्वतंत्र शासक था वो सिराज दौला था। उसके बाद कोई भी स्वतंत्र शासक नहीं होता है क्योंकि कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही शासकों का गठन किया जाता है। प्लासी के युद्ध में अभी मैंने बात की थी कि प्लासी के युद्ध में सिराज दौला के साथ जो विश्वासघात करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके कौन कौन थे, एक था मीर जाफर। मीर जाफर कौन था, वो कौन था, सेनापति था। मानिक चंद्र बंगाल का अधिकारी था। आलम चंद्र वित्त विशेषज्ञ था। जगत सेठ साहूकार था। ये मैचिंग करने के लिए आता है कि मीर जाफर क्या था, मानिक चंद्र क्या था, आलम चंद्र क्या था, जगत सेठ क्या था। तो यहां से मैचिंग करने के लिए आता है जो ये आपके क्या है, प्लासी के युद्ध के जो विश्वासघात करने वाले व्यक्ति हैं। इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि सिराज दौला की सेना के वफादार सिपाही जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे वो कौन कौन हैं। तो वो हैं आपके मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल यानी कि वफादार सिपाही थे जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं और सिराज दौला देखता है कि मेरे वफादार सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, मीर जाफर जो है सेना को आदेश नहीं दे रहा है अटैक करने के लिए, तो वो जो सिराज दौला है प्लासी के युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाता है। तो ये दो इसके वफादार सिपाही थे, मीर मदान और मोहनलाल। मीर जाफर है उसे भारतीय इतिहास में देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि भारत का जो पहला देशद्रोही कौन है, तो वो आपका मीर जाफर है। ठीक है, सिराज दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है और जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम नवाब है। ये क्वेश्चन भी आता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम नवाब कौन है, तो वो आपका मीर जाफर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, उसके बाद मतलब क्या रिजल्ट निकल के आता है प्लासी के युद्ध का। तो प्लासी के युद्ध से क्या है कि जो प्लासी के युद्ध से भारत में मध्यकालीन युग का तो अंत हो जाता है और आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत में शासन शुरू हो जाता है। यानी कि प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है, जो 1857 तक चलता है। ध्यान रखना, 1757 से लेकर 1857 तक भारत में कंपनी शासन कर रही है।
यानी कि ये जो 100 साल है, 100 साल कंपनी ने शासन किया है। और आपके जब आपकी 1857 की क्रांति होगी, 1857 की क्रांति से 1947 तक भारत में जो शासन शुरू हो जाता है वो आपके ब्रिटेन के सम्राट का भारत में डायरेक्ट शासन शुरू हो जाता है। यानी कि 1857 से ब्रिटेन का जो सम्राट है वो भारत में क्या करता है, डायरेक्ट शासन करना शुरू कर देता है और कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो 1857 के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया है और सीधे क्या हो जाता है, जो ब्रिटेन के सम्राट या क्राउन या ताज का शासन भारत में शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कंपनी है भारत में 100 साल शासन कर जाती है। ठीक है, एक और आता है कि जो दस्तक, दस्तक क्या है, दस्तक एक कर मुक्त व्यापार का परमिट है, परमिट या इसे हम कह देंगे पार पत्र, परमिट या पार पत्र क्या है, दस्तक है। इसमें थोड़ा सा दस्तक के बारे में बताऊंगी कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान के द्वारा सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता के अंग्रेज फैक्ट्री का जो प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता है। दस्तक से कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्हें दो प्रकार के लाभ कमाते हैं। एक तरह तो वो दस्तक द्वारा बनाए गए बिना चुंगी दिए व्यापार करते हैं और दूसरा ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेचकर पैसा कमाते हैं। और जब प्लासी का युद्ध होता है तो उसके बाद दस्तक का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगता है। इसलिए जो कॉर्नवॉलिस है, कॉर्नवॉलिस के समय जो दस्तक है इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध से भारत में जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश भारत भी कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में शुरू हो जाता है और मध्यकाल का अंत हो जाता है। तो यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो सब बहुत अच्छे से तैयार करें। जितने मैंने ये मैटर दिया हुआ है इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो आप इसको विस्तार से देखिए और देखने के साथ साथ इसे अच्छे से बार बार वीडियो को देखो, जिससे कि आपके जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है,